बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। साथ माजूर बहन भाइयों के बारे में, स्पेशल पर्सन के बारे में अक्सर आवाज बुलंद करता रहता हूँ, उनके हुकूक के बारे में, उनके मामलात के बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में, परेशानियों के बारे में और उनके हल के बारे में आपसे राय लेता रहता हूँ, आपकी आवाज भी पहुंचाता रहता हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। दोस्तों आज थोड़ा सा हटकर है यह आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं माजूर बहन भाइयों के रिश्तों के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। ही अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं, जोड़े पैदा किए हैं ताकि तमाम मखलूकात में और खासकर इंसानों में अपनी जिंदगी को वो खूबसूरत बना सकें, अपनी जिंदगी के लम्हात को खूबसूरत बना सकें, अपनी फैमिलीज के साथ अपने दुख दर्द बांट सकें। कुछ ऐसा हो, इंसान का कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा साथी हो जिससे वो अपनी खुशी भी शेयर कर सके, जिससे वो अपनी खुशी और गमी शेयर कर सके, जिससे वो मामलात को सुधार सके, उनसे मशवरा ले सके, उनसे काम कर सके और उनके काम करवा भी सके। दोस्तों यहाँ पर सेहतमंद इंसानों की बात करते हैं तो सेहतमंद इंसान तो फेस कर लेता है कोई ना कोई मामलात को, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स को जरूरत है, किसी लड़की को या किसी मर्द को जरूरत है, तो वो मेरे ख्याल में हमारे माजूर बहन भाइयों को इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे मुआशरे के अंदर अगर एक माजूर शख्स को उसकी अच्छी बीवी मिल जाए तो उसकी जिंदगी के आधे से ज्यादा गम खत्म हो सकते हैं, और इसी तरह अगर कोई माजूर लड़की, माजूर बहन को कोई अच्छा खामन मिल जाए, चाहे वो खामन भी माजूर क्यों ना हो, अगर वो उसके दुख दर्द बांटने वाला होगा या बीवी दुख दर्द बांटने वाली होगी, तो मेरे ख्याल में जिंदगी के आधे मामलात, आधे मसाइल तो वैसे ही खत्म हो सकते हैं। माजूर बहनें और माजूर भाइयों की एक बहुत सारी तादाद हमारे मुल्क में भी मौजूद है और वो एग्री करते हैं कि माजूर लड़का हो या माजूर लड़की हो तो उनकी शादी आपस में कर दी जाए। अगर कोई दुकान चला रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई रेड़ी लगाकर कोई काम बेच रहा है, कोई थोड़ी सी कोई छापी लगाकर भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी काम कर रहा है, मेरे ख्याल में उसकी भी शादी होनी चाहिए और माजूर रिश्ते उनको अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पर बात ये नहीं है कि रिश्ते देने के लिए कोई एग्री नहीं है या कोई रिश्ता लेने के लिए एग्री नहीं है, असल मामला ये है कि उनका आपस में कोई ताल्लुक, उनका कोई राबता भी करवाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। फर्ज करें ये एक चैनल है जिस पर मैं माजूर अफराद के बारे में और गरीबों के बारे में आवाज उठाता रहता हूँ, तो अगर इसी चैनल को मैं जरिया बना दूं और एक दूसरे से रابطے का जरिया बना दूं तो ये काम हो सकता है। और इसी तरह मैं आज इस वीडियो में, अपने इस व्लॉग में तमाम माजूर बहन भाइयों को ये ऑफर करता हूं, उन फैमिलीज को ऑफर करता हूं, उनके वालिदैन को मैं ऑफर करता हूं कि आइए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और बिला झिझक कर सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और इस एक बहुत बड़ा सवाब और जिम्मेदारी वाला ये काम है, इसको हम किस तरह अंजाम दे सकते हैं, क्या इसके लिए हमें कोई ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए। ऑलरेडी माजूर बहन भाइयों का एक ग्रुप मेरे पास चल रहा है जो कि आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, और इसी तरह का कोई अलग से ग्रुप बनाना चाहिए या किसी और प्लेटफॉर्म पर इसका ग्रुप बनाया जाए या इसी चैनल के ऊपर ही डायरेक्टली काम होना चाहिए। तो ये सब कुछ आज मैं आपको सिर्फ आपसे राय लेने आया हूं, आपकी राय लेने आया हूं, और अपनी राय जो मैंने देनी थी, अपनी बात जो आवाज मैंने आप तक पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचा दी। हमारे माजूर अफराद का एक जो ग्रुप है व्हाट्सएप स्पेशल पर्सन का, उसमें हमारे एक एडमिन भाई हैं जनाब तारिक साहब, तारिक महमूद साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, आवाज का मैसेज उन्होंने भेजा, उनका वॉइस मैसेज जब मैंने सुना मुझे बहुत खुशी हुई और ये बहुत ही अहम मैसेज है, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने फरमाया कि हाँ ये काम होना चाहिए, लेकिन इस काम में कोई ब्रोकर नहीं आना चाहिए दरमियान में, कोई ऐसा शख्स नहीं आना चाहिए जो इधर से भी पैसे ले और उधर से भी पैसे ले। बहुत अच्छी बात की है तारिक महमूद साहब, मैंने ऑन द स्क्रीन आपकी तारीफ कर दी है और आपको अप्रिशिएट किया है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। इंशाल्लाह हमारी जो टीम बन चुकी है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बन चुका है, उसमें बहुत सारे ऐसे सिंसियर मेंबर्स इकट्ठे हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि और भी बहुत सारे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से कोई भी माजूर शख्स जो पाया जाए या इनसे कोई ताल्लुक रखना चाहता हो या इनसे हमदर्दी रखना चाहता हो तो वो जरूर आए और इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।
मुखिया हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल्स को भी ज्वाइन करें और हमारे उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि माजूर अफराद के मसाइल उनकी मदद के लिए आप लोग हमारा साथ दे सकें। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि आज के इस व्लॉग में मैं आपसे राय लेने आया हूं, आपसे मैं तजवीज लेने आया हूं कि इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरह की हमें इस पर अमल करना चाहिए कि जो एक मुकम्मल तरीकाकार आपने हमें देना है कि लड़के वालों से किस तरह ताल्लुक, उनसे रब्ता रखना है और लड़की वालों से कैसे ताल्लुक रखना है, तमाम फैमिलीज का फैमिलीज के साथ रब्ता करवाया जाएगा। कुछ ऐसे अफराद हो सकते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी फैमिलीज आगे पीछे नहीं है, वो खुद जो है ना वो कमा खा रहे हैं, तो ऐसे अफराद भी कमेंट करके बताएंगे ताकि इस मसले का भी हल निकाला जा सके। तो दोस्तों अब मुझे इस व्लॉग से इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुकम्मल तरीकेकार के साथ आएंगे कि हमने क्या करना है, इसके लिए किस तरीके करना होगा। और इसके लिए मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि वो बेशक अपना नाम मेंशन ना करें, जस्ट वो कमेंट जरूर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए आप अच्छा सा कमेंट, अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना नाम भी शो करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कमेंट कर रहा हो वो सिर्फ अपने लिए, अपनी जात के लिए कर रहा हो, दूसरों की मामलात लेने के लिए भी कर सकता है। जैसे मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ या इस चैनल पर जो काम कर रहा हूँ तो मैं ये काम अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आप तमाम दोस्तों के लिए कर रहा हूँ। और जो मेरे ऐसे दोस्त भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत सारे हजारों में ऐसे दोस्त हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सुख सेहत और सलामती दी हुई है, वो माजूर नहीं है, अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से रखे, वो भी इस वीडियो को देखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो खुद उस चीज से गुजर रहा हो तो तब वो काम करे, नहीं, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह मर्द हजरात हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे बूढ़े जवान हैं, या मर्द हजरात हैं, माजूर अफराद हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं, अपने लिए नहीं तो अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले कमेंट से मुझे एक अच्छी राय मिलेगी, एक अच्छा तरीकाकार, एक अच्छा प्रोसीजर मिलेगा ताकि हम इस जबरदस्त और सवाब के काम को आगे चला सकें। दोस्तों अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ उससे पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा, एक ऐलान करना चाहता हूँ, जो मेरे इस चैनल के ऊपर व्लॉग्स देखते थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत व्लॉग्स देखते थे और एंजॉय करते थे, मेरे ड्रोन व्लॉग्स देखते थे, मुख्तलिफ शहरों में मैं जाता था, वहां पर उनकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करता था, तो उनके लिए भी ऐलान है, बहुत अहम ऐलान है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनके लिए मैंने अलग से एक चैनल बना दिया है जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।